हाँ जी शुरू कर दें। पंजाब विच अजकल बिजली दी पैदावार लई कोले दी सप्लाई नू लैके काफ़ी चर्चा छिड़ी हुई है। डंडे पंजाब सरकार वलों केंद्र सरकार तो कोले दी सप्लाई लई रेलवे दे वाधू रैक उपलब्ध करवाउण लई भी बेनती कीती गई है, परंतु केंद्र सरकार वलों रेलवे का ट्रैफिक वध होण दा हवाला दे के रेलवे दे वाधू रैक देण तो असमर्था प्रगटाई गई है। डंडे केंद्र सरकार वलों कहा गया है कि पंजाब नू महानदी कोल माइन तो कोला सप्लाई किया जा सकता है, परंतु इस माइन तो कोला समुद्री रस्ते राही पंजाब विच लिया जा सकता है। समुद्री रस्ते राही कोले दी ढोआ ढोआई का खर्चा दुगना हो जाएगा। सोचण वाली गल है कि पंजाब नू कोला किन्नी मात्रा विच चाहिदा है। डंडे सूबे दी हद अंदर 56-80 मेगावाट बिजली पैदा करने लई 1760 मेगावाट सरकारी थर्मल प्लांट अते 39-20 मेगावाट दे 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट जो कि राजपुरा तलवंडी साबो अते गोइंदवाल विखे स्थित हन लई कोले दी जरूरत बालण वजो हुंदी है। डंडे थर्मल प्लांटा दे साल 2022-23 दे चलन मुताबिक राजपुरा थर्मल प्लांट नू सालाना 60 लाख टन, तलवंडी साबो प्लांट नू तकरीबन 50 तो 60 लाख टन अते गोइंदवाल साहिब प्लांट नू 15 लाख टन कोला चाहिदा है। डंडे पंजाब दे सरकारी प्लांटा नू सालाना तकरीबन 40 तो 45 लाख टन कोला चाहिदा है। राजपुरा थर्मल प्लांट दा कोला सदर हंजी पैरा कोल फील्ड ना दी खान अति तलवंडी साबो प्लांट दा कोला महानदी कोल फील्ड ना दी खान तो आउंदा है। डंडे गोइंदवाल साहिब प्लांट ले कोला कोल इंडिया राही उपलब्ध करवाया जाता है। पंजाब दे सरकारी प्लांटा दा कोला भी पिछले कई सालों तो कोल इंडिया तो ही मिलता रहा है, पर हुण PSPCL ने अपनी झारखंड सूबे विखे पछवाड़ा कोल खान जो साल 2015 तो बंद पई सी नू फिर चालू कर दिता है। इस खान विचों सालाना 70 लाख टन कोला कढ़िया जा सकता है, जो कि सरकारी थर्मल प्लांट दे दी कोले दी लोड़ नू पूरा करने लई काफ़ी है। डने पंजाब दे सरकारी थर्मल प्लांटा नू हर रोज़ 3 रैक कोले दी सप्लाई दी जरूरत है। साल 2014-15 तक जदों पंजाब विच 3 प्राइवेट थर्मल प्लांटा दा बिजली उत्पादन शुरू नहीं होया सी, सरकारी थर्मल प्लांटा दी कोले दी कुल लोड तकरीबन 136 लाख टन सालाना सी, जो 70 लाख टन पछवाड़ा खान दे कोले अते बाकी 66 लाख टन कोल इंडिया दे कोले नाल पूरी कीती जांदी सी। स्टॉप।